सो गाइज, आज की इस वीडियो में व्हाट्सएप के कुछ ऐसे हिडन फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर आप चाहें तो किसी का भी व्हाट्सएप चैट अपने फ़ोन में ला सकते हैं ओनली वन क्लिक में। मात्र एक क्लिक में आप अपने फ़ोन में किसी का भी व्हाट्सएप चैट ला सकते हैं और अपने फ़ोन में देख सकते हैं। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, दोस्त यार कोई भी हो, किसी का भी चैट आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं और आप उसका पोल खोल सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको व्हाट्सएप के टॉप 6 हिडन फीचर और बताने वाला हूँ, जो कि आपको जानना जरूरी है 2022 में। 100% है कि आप इन सारे फीचर के बारे में नहीं जानते होंगे, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो इन फीचर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी मैं टोटल व्हाट्सएप के 7 हिडन फीचर के बारे में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप बिना स्किप के वीडियो में तक बने रहें। फीचर नंबर 1, गाइज, अगर आप किसी को मैसेज करते हैं और वो रिप्लाई आपको नहीं करता है, आप बहुत सारा मैसेज किए रिप्लाई नहीं कर रहा है, बट उसके पास डबल टिक हो रहा है, बस ब्लू टिक नहीं हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे वो हाइड कर रखा होगा, ऑफ कर रखा होगा अपना रीड रिसिप्ट, यानी कि आपके फ़ोन में ब्लू टिक नहीं होगा, डबल टिक होगा ओनली बस। तो आप कैसे जान सकते हैं कि उसने मेरा मैसेज सीन कर रहा है, देख रहा है या फिर नहीं देख रहा है? आपके पास तो ब्लू टिक हो नहीं रहा है। ऐसा ग्रुप में भी होता है, किसी भी ग्रुप में अगर मैसेज करते हैं तो वहाँ सिंगल टिक ही रहता है, लेकिन सब लोग के फ़ोन में मैसेज चला जाता है, तो वहाँ भी देख सकते हैं कि इस ग्रुप में मेरा मैसेज कौन कौन देखा, कौन कौन सीन किया। जो कुछ भी मैसेज कर रहे हैं, जैसे कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं, हाय करके ऐसे मैसेज कर दिए, ठीक है, ये चैट चला गया, मैसेज चला गया, अब ये डिलीवर वन टिक लगा है, ग्रुप है ये, ठीक है, तो अब इसे देखना है कि सीन किया है कि नहीं किया है। तो कुछ करना नहीं है, बस इस चैट पे ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ब्लू हो जाएगा। इसके बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ जो इन्फो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि रीड बाय अभी तक जो डबल टिक ब्लू टिक है यहाँ पे कोई नहीं देखा है, बट डिलीवर इतने लोगों के पास हो चुका है। और जब रीड हो जाएगा तो यहाँ पे आपके ऊपर ये जब देख लेगा, जो जो लोग देखेंगे वो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, शो कर जाएगा, जैसे जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनके पास डिलीवर हो गया, अभी ये सीन नहीं किया, सीन करने के बाद इनका नाम ऊपर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ जो सीन है, हाँ यहाँ अभी देखे थे कि ये, फिर से मैं दिखाता हूँ कि ये कोई सीन किया था अभी, उसमें अपडेट हुआ था। हाँ यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला नंबर से ये सीन कर लिया जस्ट अभी तुरंत। ये चीज़ आप बाद में भी देख सकते हैं कि वो कब डिलीवर हुआ था मैसेज, वो कब सीन किया। अगर सपोज अगर ये वाला चैट को ओपन करते हैं, ये भाई का आज बर्थडे है, अभी विश कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये सपोज मैं ये वाला मैसेज किया था, तो यहाँ पे अगर इसको चेक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं डिलीवर 50 मिनट पहले हुआ था, 48 मिनट पहले ये रीड किया, मतलब देखा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर ये हाइड करके रखता, रीड रिसिप्ट अगर बंद करके रखता, तो यहाँ पे डबल टिक होता, बस ब्लू टिक नहीं होता। तो यहाँ से ऐसे हम देख सकते थे यहाँ पे ऐसे करके कि ये देखा है कि नहीं देखा है, और ये डिक्लेयर हो गया कि ये सीन कर लिया है। फीचर नंबर 2, गाइज, अगर आप किसी से वॉइस चैट कर रहे हैं, वॉइस मैसेज अगर सेंड कर रहे हैं, तो आप उसे सेंड करने से पहले आप सुन सकते हैं उसे, आप खुद से सुन लीजिए कि सही इसमें रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, सही चीज़ बोले या फिर कुछ गलत हो गया। जहाँ से आप वॉइस चैट करते हैं, इस माइक को ऐसे दबा करके अगर रखेंगे तो ऐसे तो डायरेक्ट चला जाता है, छोड़ने के बाद ऐसे चला जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, इसे कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये चला जाएगा। लेकिन आप इसे ऐसे लॉक कर देंगे तो यहाँ पे पहले रिकॉर्ड होगा, हेलो है, जो भी बोलना है बोलिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप इस पर क्लिक करके ऐसे हो गया, इसके बाद यहाँ से सुन लीजिए कि क्या बोला है, चला। अब बोलने के बाद, इसे सुनने के बाद अगर सही है तो सेंड कीजिए, नहीं तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए। फीचर नंबर 3, गाइज, ये फीचर वेरी इंपॉर्टेंट है गर्ल्स लोग के लिए। अगर आप किसी से चैट करते हैं और आपको उस पर शक है, आपको डर लग रहा है कि ये आपके चैट के साथ गलत यूज कर सकता है, मिस यूज कर सकता है आपका चैट का, या फिर ब्लैकमेल कर सकता है, तो आप इस फीचर का यूज जरूर कीजिए। चैट में आना है, चैट में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऑप्शन डिसअपीयरिंग मैसेज, ठीक है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन 3-4 मिल रहे हैं, 24 आवर्स 7 डेज 90 डेज, यहाँ आप अपने मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज अगर 24 आवर अगर सिलेक्ट करते हैं तो इससे होगा क्या कि आप जो भी 24 आवर में जो भी चैट किए हुए हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, दोनों फोन से, आपके फोन से भी और उसके फोन से भी ये डिलीट हो जाएगा, डिसअपीयरिंग मैसेज अगर रहेगा तो। तो आप अपने मर्जी से आप चाहे तो जितना दिन 7 डेज का सिलेक्ट कर सकते हैं, 90 दिन का सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप ग्रुप में भी कर सकते हैं और पर्सनल किसी चैट में भी। फीचर नंबर 4, गाइज, इस फीचर का यूज करके आप चाहे तो अपने फोन में व्हाट्सएप के लिए डेटा ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि आपके फ़ोन में डेटा ऑन रहेगा, आप उस डेटा से यूट्यूब देख सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं और भी, लेकिन आप चाहें तो आपका व्हाट्सएप के लिए डेटा ऑफ कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप में आप मैसेज करेंगे तो जाएगा और ना ही उधर से कोई मैसेज आएगा। ऐसे यहाँ व्हाट्सएप पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है और यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन में चल जाना है। ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, नया इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पे आप यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे भी ला सकते हैं ऐप मैनेजमेंट,
ऐप मैनेजर ऐसे कर कुछ करके आप जाके सेटिंग्स में भी जाकर के यहाँ से ला सकते हैं। मतलब इस तरह का पेज आपको ओपन होना चाहिए और यहाँ से अब डेटा यूज डिटेल जो है इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको फिर नया इंटरफेस खुलेंगे और यहाँ आपको डिसेबल मोबाइल डेटा इसे कर देना है एनेबल। अब इससे होगा क्या, आप यहाँ डिसेबल वाईफाई भी कर सकते हैं कि वाईफाई कनेक्ट करने के बाद भी ये मेरा व्हाट्सएप काम ना करे। इससे होगा क्या कि अगर आप डिसेबल कर देते हैं और इसके बाद से फिर से ओपन करते हैं व्हाट्सएप को तो यहाँ कुछ अलाउ करने के लिए ये आएगा, तो अगर अलाउ कर देते हैं तो फिर से चालू हो जाएगा, नेट आपका काम करने लगेगा। लेकिन यहाँ आपको कीप डिसेबल जो है इस पर क्लिक कर देना है। इससे होगा क्या कि आप ऐसे नॉर्मल यूज करते रहेंगे व्हाट्सएप, लेकिन आपके फ़ोन में ये कुछ भी अगर ऐसे मैसेज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये मैसेज जाएगा नहीं। यहाँ जैसे सिंगल टिक ही लगा था उस टाइप के भी यहाँ नहीं लगेंगे, यहाँ टाइमिंग बस ऐसे ही रहेगा, उधर से मैसेज भी नहीं आएगा, मतलब व्हाट्सएप काम ही नहीं करेगा। इसे अगर डिसेबल आपको करना है तो डिसेबल करने के लिए बस वही फिर से वैसे ही आना है इन्फो में, ऐप इन्फो में, इसके बाद फिर वहीं पे फिर से जाना है डेटा ऐप यूज में जो भी है, और इसके बाद यहाँ पे जो डिसेबल किए थे उसे कर देना है एनेबल, सॉरी एनेबल किए थे उसे कर देना है डिसेबल, ठीक है। तो इस तरह से आप फिर से जैसे था नॉर्मल पहले यूज करते थे वैसे ही अब यूज कर सकते हैं। फीचर नंबर 5, अगर आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, अगर उसमें से आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि आपके काम का है उसको आप बाद में भी देखना चाहते हैं तो आप उस मैसेज को स्टार कर सकते हैं। स्टार करने के बाद आपको वो मैसेज जो है स्टार हो जाएगा, उसे आप बहुत सारे लोग अगर मैसेज करते हैं तो सारे लोग को मैसेज में जो जो मैसेज इंपॉर्टेंट लगता है उसको स्टार कर दीजिए। आप उसे बाद में देख सकते हैं कि कौन कौन मैसेज मैं स्टार किया था और कौन कौन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वैसे चैट उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन क्या क्या मैसेज किया था उसमें मैं देखा था, वैसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप उसे स्टार कर देंगे एक जगह चला जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन मैसेज है। आपको जो जो मैसेज इंपॉर्टेंट लग रहा है जिसे आप स्टार करना चाहते हैं जो भी चैट में, सारे मैसेज को ऐसे टिक करना है और जितने भी ऐसे करना है, इसके बाद यहाँ जो है ये स्टार टाइप जो बना हुआ है स्टार का आइकन, इस पर ऐसे क्लिक कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इसमें स्टार आ गया, ठीक है। इस तरह जितने भी आपके फ़ोन में चैट हैं सारे चैट में ऐसे लगा लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है जिसे आप स्टार करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है अभी इसे देखने के लिए कि कहाँ ये गया, कि कौन कौन चैट को मैं किया था स्टार। ये सारे चैट को ढूंढने से अच्छा है कि ये चला जाएगा। यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मैसेज जो है इस पे क्लिक करना है और यहाँ आप जितने भी मैसेज स्टार किए होंगे वो सारा का सारा यहाँ पे शो कर जाएगा। फीचर नंबर 6, गाइस इस फीचर का यूज करके आप अपने व्हाट्सएप में सारे चैट को एक ही बार में डिलीट कर सकते हैं। वैसे जैसे होता है ना कि आप चाहें तो डिलीट करने के लिए तो एक एक मैसेज को टिक करके इसके बाद डिलीट करते हैं, तो वैसे नहीं, आपका वो कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे ही रहेगा लेकिन उसके अंदर से जितना भी चैट रहेगा, जितना भी मैसेज आप किए रहेंगे, वो सारा का सारा चैट एक बार में हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं। ये आप पर्टिकुलर एक दो चैट में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो एक ही बार में सारे चैट में भी। आप जिस भी चैट का हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हैं चैट सारा का सारा इसमें देख सकते हैं कितना सारा चैट किए हैं। अगर इसे पूरा का पूरा डिलीट करें अगर ऐसे टिक कर करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इससे बढ़िया कि एक ही बार में सारा डिलीट हो जाए। यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है और मोर पे जाना है और क्लियर चैट जो है इस पे क्लिक करने के बाद ये वाला चैट जो है पूरा का पूरा क्लियर हो गया। हम देख सकते हैं ये मेरे स्क्रीन पे दिखेगा ही, ऊपर रहेगा ही, लेकिन इसमें चैट नहीं रहेगा कुछ। अगर ऐसा ही अगर एक बार में जितने आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट है सबका चैट अगर क्लियर करना चाहते हैं तो बस कुछ करना नहीं है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, चैट्स में जाना है, इसके बाद यहाँ नीचे आने के बाद चैट हिस्ट्री जो है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है क्लियर चैट। अगर इस पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो ये क्लियर सारा का सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप ऑल चैट को डिलीट कर सकते हैं, तो अगर डिलीट करते हैं तो यहाँ से ऊपर से जो ये होम स्क्रीन पे दिखता है ना ये वाला नहीं दिखेगा, इससे बढ़िया कि आप क्लियर चैट कीजिए। अब चलिए जानते हैं फीचर नंबर 7, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। इस फीचर का यूज करके आप एक ही बार में किसी का भी व्हाट्सएप चैट पूरा का पूरा अपने फ़ोन में देख सकते हैं, ला सकते हैं। आप जिसका भी चैट अपने फ़ोन में लाना चाहते हैं बस कुछ करना नहीं है, चैट को ओपन करना है और इसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ मोर पे जाना है, यहाँ पे आपको मिलेंगे एक्सपोर्ट चैट, एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा विदाउट मीडिया इंक्लूड मीडिया, बिना आप फोटो वीडियो के ही बस चैट चाहते हैं या फिर फोटो वीडियो भी चाहते हैं, तो यहाँ आप अपने मर्जी से अगर आप वीडियो फोटो सब कुछ चाहते हैं तो इंक्लूड मीडिया पे क्लिक करके, और यहाँ कुछ नया इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आपको शेयर करने का सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। तो आप यहाँ से अपने मेल पे ईमेल पे भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी ऐसे शेयर कर सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल में आपके पास जाएगा, वहाँ से आप सारा का सारा चैट देख सकते हैं कि किससे क्या, अरे कितना क्या चैट किया, ये सारा का सारा चैट आपके फ़ोन में चला जाएगा।